पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। एक चीज और बताऊं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा। सुनो महाराज, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार ऐसे ही कर रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं फवाज राम, आपकी फेवरेट रिलेशन। आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो वो एक पार्टी के हवाले से इंडिया में, जो कि एंटी मुस्लिम पार्टी है और वो सलमान के हवाले से काफ़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे और उस पर जो रिएक्शन किया हुआ है वो नवदीप शर्मा है। एज़ यूजल जिस तरह वो रिएक्ट करती है अपनी चैनल पर, और देखते हैं कि वो किसके हवाले से क्या बात करती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। औरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं ये वैसी हरकत करती है। अब्दुल है ये हमारे समाज को भटका रहा है। अच्छा। सच्चाई की बात है। अच्छा। ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है भैया। देखो हाँ बिल्कुल असली, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो अगर भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। मुसलमानों का सपोर्ट करते दिखाई दिए अनुराग ओझा भाई साहब। अच्छा, ये अनुराग ओझा के सनातनी होने पर उठाए गए सवाल। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं तहे दिल से, मेरा एक प्यारा सा सनातनी भाई है जिसका नाम है अनुराग ओझा, वो सच्चाई के साथ है इसीलिए मैं भी उसके साथ हूँ। और देश का हर इंसान जो सच्चाई को तहे दिल से समझता है और एक्चुअली सच सुनने की हिम्मत रखता है वो इन्हें सपोर्ट जरूर करेगा। कुछ कट्टरवादी लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी हिंदू, आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी सनातनी, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं बोलूं कि इस्लाम गलत है, मुसलमान गलत है, और अगर मैं ये कहती हूँ तो मैं सनातनी हूँ ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ आई लव इस्लाम। जितना ही भाजपा सरकार मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेगी उतना ही मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे इस डर्टी पॉलिटिक्स से नफरत है जो डिवाइड एंड रूल वाले प्रिंसिपल पर काम करती है। आप समझ रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को इस देश के अंदर डिवाइड करो, उनके मन के अंदर एक खटास पैदा कर दो, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पनपा दो और इस देश पर हुकूमत करो। कितनी कठिनाई के साथ अनुराग ओझा भाई साहब ने इन कट्टरवादी लोगों को फेस किया होगा, आई नो इट्स हार्ड ब्रेकिंग। एक बार वीडियो देखते हैं फिर तफसील से गुफ्तगु करेंगे। ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है भैया। देखो हाँ बिल्कुल असली, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो अगर भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। औरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं ये वैसी हरकत करती है। अब्दुल है ये हमारे समाज को भटका रहा है। अच्छा। सच्चाई की बात है। अच्छा। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। एयरपोर्ट कहे बेच दिया, एयरपोर्ट कहे बेच दिया, काला धन कहाँ गया, काला धन लाए भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अनुभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं मिलती। अच्छा, चाय बेचते आप लोगों ने नहीं देखा फिर भी मानते हो कि चाय बेचा, चाय बेचते इन्होंने नहीं देखा फिर भी मानती है कि चाय बेचा, और देश बेचते देख रही हो मैडम आप और फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। विकास कर रहे हैं आप, कह रहे देश। अच्छा, देश की संपत्ति बेच बेच के विकास करेंगे भैया। जब गांव में कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, बच्चों के और अपनी पत्नी के पैसे उठा ले जाता है, महिलाओं के गहने बेच देता है। देश की सरकार एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। आपको घर दिया, आपको राशन दिया, कह रहे बेच दिया। अच्छा, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे तो घर तो पहले से। मंदिर भी मिल गया आपको, मंदिर से क्या होगा, कौन सा फायदा मेरा होगा बताओ। मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाएंगे तो दर्शन से भैया कौन सा मेरा पेट भर रहा है भैया, फायदा तो बताओ मुझे। क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार गरीबों के लिए, जो मोदी सरकार ने 5 काम किया हो गिनवा दो। गरीब कल्याण योजना लागू हो रही है, फायदा कौन सा मिला,
गरीब कल्याण फायदा मंदिर से कोई फायदा नहीं कह रहे हैं। ये भाई साहब मैं बताऊं, ये भाई साहब मेरे जो काबिल दोस्त हैं ये एंटी मोदी हैं। अच्छा, इनके माइंड सेट कर रखे हैं इन्होंने कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इस भाई से पूछ ले, एक मंदिर बनने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है, जिसमें फूल वाला हो गया, मूर्ति वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला, रोजगार का साधन महाराज। सुनो बोले, अभी आपने देखा होगा बनारस काशी विश्वनाथ में क्रूज, ठीक, जहाज चला दिए हैं मोदी जी, सिर्फ 19 लाख में घूमिए। हमारे पास 19 रुपया नहीं है, 19 लाख में घूमिए। काका तब मंदिर से रोजगार है कि नहीं, जवाब इसका दीजिए। सुनो, मंदिर से रोजगार है। सुनो पहले, ढोंग तो आप लोग ढोंग करते हो, ढोंग आप जैसे पत्रकार। अरे सुनो पहले, सुनोगे। उन्होंने क्रूज चला, जहाज चला दिया, और जो नाविक थे, मल्लाह थे, उनका रोजगार छीन लिया। 50 लोगों को रोजगार दिया नहीं, 500 लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का। रोजगार नहीं है, मंदिर तो बन रहा है। मैं इस भाई साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले कितने बैरिस्टर थे और कितने यूपीएससी टॉपर थे? क्या सारा देश 135 करोड़ की जनता है इस देश में? 2014 से पहले का कुछ नहीं जानता हूँ मैं, मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना रहे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी गिनवाओ, उन्होंने क्या कहा था 22 में, भाई हमारे बना, हम रोक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स बनाएंगे, बना कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा $5 trillion की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। उन्होंने कहा बताओ कितना है, केंद्र की रिपोर्ट कहे नहीं आई। जब है तो भैया, इन्होंने कहा 13 में क्या कहा था भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का, महंगाई की मां कौन है? 400 वाला महंगाई नहीं है। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारी अमेरिका में भैया, अमेरिका से आगे निकल गया भारत, कहीं नहीं निकला भैया, 100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत की हाँ, रुपया बढ़ा मोदी जी के आने के बाद, रुपए चल रहा है रुपए, और रुपए में जो है आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, डॉलर बराबर करेंगे, रुपए डॉलर, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला कितना भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा? हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एक एयरपोर्ट बन रहा है। अकेला बनारस में है, देखो यहाँ दादरी में है, एयर इंडिया भेजते हैं। एयरपोर्ट कहे बेच दिया, एयरपोर्ट कहे बेच दिया, काला धन कहाँ गया? काला धन लाए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। भक्ति की अंधभक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं, कि हम जो है जो हम, ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक हैं, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो। तो हम तो कहते हैं कैसे कर दिया आप किसी पार्टी, बताइए हिंदुत्व के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं ना? मोदी जी हिंदुत्व, अभी अभी अभी, अभी मेरे मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, मोदी जी ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म है। जब राहुल गांधी कहता है कि हम हिंदू नहीं हिंदुत्व को मानते हैं, तब तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाती है भाई? मैं क्या कहता हूँ, तुम एक विशेष सनातन को ही टारगेट क्यों करते हो? सनातन धर्म को टारगेट, दूसरे धर्म को क्यों नहीं बोलते हो तुम? बोलो, सरधर्म से अलग हो जाएगा तुम्हारा, सरधर से अलग हो जाएगा। एक मिनट, ये मेरे भाई साहब हैं, ये टीका लगा रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको 2013 से पहले अधिकार नहीं था। जवाब दीजिए, आप पे आरोप लगा कि आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जवाब लेने दीजिए। आज मोदी जी ने हजारों, यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है कि अपने आगे लोग बोलने नहीं देते हैं। सनातन धर्म का आप अपमान करते हैं, सनातन धर्म का, मैं सनातन से हूँ और मैं सनातन का अपमान करूंगा? मैं सनातन नहीं होता, झूठा प्रचार। अच्छा करता है। दूसरी बात, पठान का समर्थन मैं करूंगा भाई, जो सच्चा होगा भाई, जो अच्छी होगी, जो चीज अच्छा है वो भगवान ही है, वो ऑरेंज कलर है, ये भगवानी होता है भाई, को भगवानी बोलते हो। देखो मैं एक चीज बता दूं भाई, दोस्त है, अष्ट वसु और 11 रुद्र, सूर्य चंद्र भाई, और न्यारे न्यारे नाम गणा दूं, या हमारी चतुराई, ये भाई नकली पोंगा पंडित है। अच्छा। नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है, नकली हिंदू
भैया देखो, हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो अगर भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा, ये प्रमाण। अच्छा एक चीज नहीं, सब कैमरा चल रहा है ना, और सब पे बात रिकॉर्ड कि जो हिंदू है वो बीजेपी का है, ठीक, एक मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। सुनो, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। अब माननीय केजरीवाल जी हमारे सीएम साहब है, आप केजरीवाल साहब है, उन्होंने हिंदू पंडितों की सैलरी नहीं बनाई, इमामों की बना दी। भाई सुनो, इन्होंने वक्त बोर्ड की बात करी है, इन्होंने जो मौलानों की सैलरी पे वक्त बोर्ड का कह रहे हैं। भैया हरियाणा सरकार वक्त बोर्ड को पैसा दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। ये नकली चोला पहन के आप क्यों आते हो? नकली चोला नकली है, नकली, अरे नकली चोला पहन के। अरे भैया इनके कहने से मत, अरे हिंदुत्व विरोधी है, कौन सा हिंदुत्व विरोधी? लव जिहाद करने आया कर, लव जिहाद। अच्छा, ये जैसे बात है ना, डोरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं, ये वैसी हरकत कर रही है, अब्दुल है क्या? ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है, अब्दुल बता रहे हैं आपको। अच्छा महंगाई बेरोजगारी बताओ तो अपने आप को भटका रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। इससे पहले 2013 पहले से, मोदी राज से पहले कितने बैरिस्टर, कितने यूपीएससी टॉपर। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भाई देखो, हम 2014 से पहले, अभी हमारी उम्र है 19 साल, हम 11 साल के थे 2014 में, ठीक है 11 साल या 10 साल के, तो भैया हम उनके काहे बात पूछे? सुनो, चूड़ी टाइट कर दिया है, चूड़ी टाइट, पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। एक चीज और बताऊं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा, सुनो महाराज, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा, वर्तमान सरकार ऐसे ही कर रही है। आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे करता हूँ भाई, ये नफरती चिंटू जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं, वो करते हैं, या कौन है रिश्तेदार है? नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, भाई भगवा सर पे रखे हुए हैं, बेशरम रंग कहे हम। सुनो, जब उसमें भगवा बेशरम बोलता तब मैं भी विरोध करता, और वो यार ये नकली ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण को शिक्षा नहीं हो सील गुल ही ना, जो ब्राह्मण में शिक्षा नहीं हो सील गुल नहीं हो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। असली ब्राह्मण वही है जो कि अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान की बातें करता हो, और ये भटकाने वाली बातें नहीं करता हो। जलाने कौन जला रहा है? फिल्म का जो जला रहे हैं, शाहरुख खान अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा, संत लोग जिंदा। देखिए ये एक पब्लिक का सेंटीमेंट है, क्योंकि आप अगर एक ही सनातन धर्म को आप हाथ में लेकर करेंगे, इनसे पूछो ब्राह्मण जाति है या पद है, इनसे पूछो ये रंग को, ए महाराज ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण जाति है या पद है, ब्राह्मण जाति है, वो गलत किया था, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, फालतू बात मत कीजिए। ब्राह्मण जाति है या पद? ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, ओझा एक जाति है, ब्राह्मण एक पद है, प्रधानमंत्री आदमी होता है, प्रधानमंत्री एक पद है, ये कह रहे हैं, कहने दो उनके, कहने आप अब्दुल है और यहाँ लव जिहाद करने आए हैं। अच्छा लव जिहाद करने आए हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, गूंगा पंडित हो, गूंगा। हम तो भैया जय श्री राम भी कहते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं, कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। भैया देखो, हम अयोध्या से आते हैं, हम आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे। खान गैंग से हैं क्या आप? खान गैंग से हैं क्या भैया? हम तो जय सिया राम बोलते हैं। खान गैंग से, कौन से गैंग से हैं? मैं सनातन गैंग से हूँ, हिंदुत्व गैंग से हूँ, शाहरुख खान के समर्थन करते हैं। तो देख लो अभी भाई साहब को, आप देख लो पीछे सिका में चोटी भी नहीं लगा, वो गांठ भी नहीं लगा रखी भैया, गांठ। मैं एक चीज बताऊं, गांठ कहीं नहीं, हमें पता है, सुनो हम बता रहे हैं, सुनो महाराज, अरे सुनोगे फंडिंग मिल रहा है शाहरुख खान भैया, ये सुनोगे, सुनो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोग फर्जी बात बोलेंगे, हम अपनी सिखा बांध के रखते हैं, लेकिन हमें पता है ना, हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग अनर्गल बातें करेंगे, और जब हम अपनी गठिया बांध के रखेंगे ना सिखा की, इस चोटी की गांठ अगर बांध के रखेंगे ना, तो इनकी बात दिमाग में फिट हो जाए। असली है कि नकली है? देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, तो कह रहे हैं कि आप नकली, कहना जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, आज इनको बोलने दो, जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना,
उस दिन सबकी बोलती बंद। वेरी नाइस। और मैं चाहती हूँ आपका वक्त अभी आ जाए, इसी क्षण में आ जाए। बहुत दुख हुआ मुझे ये देख करके कि इनके बयान देते वक्त दो नफरती चिंटू आकर के खड़े हो गए और वो अनुराग ओझा का अपोज करने लग गए, जबकि उनकी आंखों के सामने अनुराग ओझा ने कुछ भी हिंदुत्व के अगेंस्ट या सनातन के अगेंस्ट नहीं बोला था, फिर भी वो ये बोलते हैं कि ये तो नकली पोंगा पंडित है। हमारे धर्म के अंदर कभी भी किसी ने भी ये नहीं बोला है कि आपके धर्म को महान साबित करने के लिए आपको दूसरे धर्म को नीचा दिखाना होगा। ये जो अनुराग ओझा भाई साहब से लड़ने के लिए दो व्यक्ति आकर के खड़े हो गए थे, उन्होंने अगर खुद के धार्मिक किताबों को कभी पढ़ा होता, शुद्ध सनातन वैदिक धर्म को समझा होता, तो वो इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि 19 साल की उम्र में अनुराग ओझा ने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चालू कर दिया और उनके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना चालू कर दिया है। हमारे ही नहीं बल्कि हर धर्म में यही कहा जाता है कि इंसान को प्रतापी होना चाहिए और अपना जीवन का ये जो अनमोल वक्त है इसे समाज की सेवा के लिए व्यतीत करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड राइट नाउ कि अनुराग ओझा जैसे काफ़ी सारे हमारे प्यारे प्यारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई बहन हैं, वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो भी इस देश के अंदर प्यार के शांति के पैगाम को बढ़ावा देगा उसको ऊपर वाला बहुत बरकत देगा। आप में से मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि इस्लाम पर मैंने काफी सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं। मुझे इस्लाम धर्म पसंद है और मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरा इस्लामिक नेम फातिमा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रताड़ित किया जाए जैसे इनको प्रताड़ित किया गया कहकर कि तुम तो कोई अब्दुल हो। क्यों भाई, किसी और के धर्म को अगर आप अच्छा बता देंगे तो इससे आपके धर्म की शान घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो देखकर के आपको इतना अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि अपकमिंग इलेक्शंस में हमें भाजपा सरकार को वोट नहीं देना है। इनफ ऑफ दिस हिंदू मुस्लिम डिबेट। हम लोग सब इंसान हैं और हर धर्म के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया गया है, तो वो मानव ही क्या जिसके अंदर मानवता ना हो। तो अपने इन वीडियोस के जरिए हम ह्यूमैनिटी को हमेशा प्रमोट सपोर्ट करते रहेंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। राम राम जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये थी वीडियो और जिस तरह निधि शर्मा ने इनके बारे में जिस तरह इन्होंने रिएक्शन किया और जिस तरह ये बात कर रही थी और काफ़ी अच्छा बोल रही थी, और दूसरी ये बात कि लड़का काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जिस तरह ये डिफेंड कर रहा है वो बाकी हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो या इस्लाम हो, तो इसमें हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो हर एक धर्म की और हर एक मज़हब की वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जिस तरह ये हिंदुओं में कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो मुसलमान को आतंकवाद कह दे, और हालांकि पठान मूवी में भी कुछ हिंदुओं ने बल्कि ज़्यादातर मोस्टली हिंदुओं ने उसको बुरा भला कहा था और बाकी उन्होंने मूवी की बैकआउट भी की थी। तो निधि शर्मा ने जिस तरह बात की है और जिस तरह रिएक्ट में इन्होंने बात की है और जिस तरह ये मुस्लिम और मुसलमान के हवाले से बात करती हैं और जिस तरह ये धर्म की बात करती हैं, जिस तरह ये मजहब की, तो हैट्स ऑफ इनको। और बाकी इनकी वीडियोज़ मैंने देखे थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज देती हैं और काफ़ी दिल से वो बात करती हैं और काफ़ी मज़ेदार इनकी वीडियोज़ और रिएक्शंस होते हैं। तो इनकी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके वहाँ से इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।